काफी लोगों को पता ही नहीं था कि एडवर्ड्स है क्या, तो उनको समझने में थोड़ी मुश्किल हुई। उन्होंने कभी इससे पहले इवन एडवर्ड कभी कॉल के भी नहीं देखा था। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका थोड़ा इंटरफेस बता सकूं, कैंपेन कैसे सेट करते हैं वो बता सकूं, एक बेसिक सी कैंपेन, ताकि एटलीस्ट आप उससे फेमिलियर हो जाएं कि ये है क्या और काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एडवर्ड्स एक गूगल का फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम एडवर्टाइजिंग करते हैं गूगल पे और उसकी स्पोर्टिंग या पार्टनर वेबसाइट्स पे। हम ये मेरी वेबसाइट है seoppcexperts.net। मैं इसकी किसी एक सर्विस के लिए आपको अकाउंट सेटअप करना बताऊंगा आज। तो सबसे पहले आप adwords.google.com ओपन करेंगे, उस पर आप साइन इन करेंगे अपने जीमेल के अकाउंट से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है स्किप टू गाइडेड सेटअप। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जब, तो हम एक ऑटोमेटेड कैंपेन नहीं बनाना चाह रहे, इसलिए हम गाइडेड सेटअप की हेल्प नहीं लेंगे। इसके बाद ये देखेंगे आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिंग एडवांस कैंपेन्स। हम यहाँ पे चले जाएंगे क्योंकि हम अगेन उसका जो स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है उसे नहीं बनाएंगे बल्कि अपनी खुद से कैंपेन बनाएंगे। उसके बाद अगर मैं आपको अपनी सर्विस दिखा रहा हूँ जिससे मैं कैंपेन बनाना चाह रहा हूँ, तो पीपीसी मैनेजमेंट, इसके अगेंस्ट मैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाऊंगा। पर्पज उसका ये होगा कि लेट से मैं यूएस में कैलिफोर्निया की एक सिटी है सैन डिएगो, उसके उसमें अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। पीपीसी मैनेजमेंट की सर्विसेज ये मेरी एक्सपर्टीज है और मैं एडवर्टाइज करना चाह रहा हूँ, और मैं इसके अगेंस्ट क्लाइंट लेना चाह रहा हूँ जो कि ये सर्विसेज चाहते हैं, अपने अपनी सर्विसेज को गूगल पे एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए पीपीसी कैंपेन मैनेज करूँगा। इसके लिए आप सबसे करना होगा टूल्स में जाके कीवर्ड प्लानर आता है उस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। उसमें पीपीसी मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं कीवर्ड सर्च करूंगा। टारगेटिंग में मैं अपनी सिटी सैन डिएगो सेट करूंगा, और जब सर्च करूंगा तो वो एक मुझे लिस्ट देगा जिसमें से मैंने शॉर्टलिस्ट किए अपने कीवर्ड्स, बेस्ट पीपीसी मैनेजमेंट सर्विसेज, बेस्ट पीपीसी मैनेजमेंट कंपनी, पीपीसी मैनेजमेंट कंपनी, पीपीसी मैनेजमेंट फर्म, पीपीसी मैनेजमेंट एजेंसी, पीपीसी मैनेजमेंट, पीपीसी कैंपेन मैनेजमेंट कंपनी, टॉप पीपीसी मैनेजमेंट कंपनीज, पीपीसी मैनेजमेंट इंडिया। ये आप अगर देखें तो इन सब की थीम इन कीवर्ड्स की सेम है, कोई कंपनी है, कोई सर्विसेज है, कोई फर्म है, कोई एजेंसी है, तो मैंने उनको एक साथ रखने की वजह ये थी कि मैच कर रहे थे। आई एम गोइंग टू यूज देम इन एड ग्रुप। एड ग्रुप क्या होता है, अगर आपने कल मेरे कल वाला वेबिनार अटेंड किया हो तो आपको आइडिया होगा, वरना अभी आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको इतना बताता हूँ कि ये एक जैसे कीवर्ड से, तो इसलिए
ये कैसे कीवर्ड्स थे, इसलिए मैंने इनको एक साथ ग्रुप बना लिया। अब दूसरे अगर आप देखें तो पीपीसी कैंपेन मैनेजमेंट सर्विसेज, पीपीसी मैनेजमेंट सर्विसेज, पीपीसी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइसिंग, ये पीपीसी मैनेजमेंट सर्विसेज से रिलेटेड थे, इनका एक ग्रुप बना लिया। फिर ये स्मॉल बिजनेस पीपीसी मैनेजमेंट और अफोर्डेबल पीपीसी मैनेजमेंट, इनके भी एक ग्रुप मैंने बना लिया। मोस्ट प्रॉब्ली ये वो लोग हैं जिनके पास बजट कम है, तो इनको भी मैं अकॉर्डिंगली लीड करूंगा उसके। अब वही कीवर्ड लिस्ट जो कीवर्ड प्लानर से मैंने ली थी, उसी लिस्ट में से मुझे अपने नेगेटिव कीवर्ड भी मिल गए। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, कल भी मैंने बताया था, आज फिर मैं आपको बता देता हूँ कि वो कीवर्ड्स या वो क्यूरीज जिनके अगेंस्ट मैं चाहता हूँ कि मेरे एड्स शो ना हो। लेट से मैं कोई टूल्स तो बेच नहीं रहा हूँ, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, ठीक है? तो बेस्ट पीपीसी मैनेजमेंट टूल्स, तो मैं नहीं चाहता कि इसके अगेंस्ट मेरा एड शो। पीपीसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपैरिजन, मेरी साइट पे कुछ कंपैरिजन नहीं है सॉफ्टवेयर का, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि इसके अगेंस्ट मेरा कीवर्ड शो। पीपीसी मैनेजमेंट कंपनी रिव्यूज, उस पर कुछ रिव्यूज भी नहीं है, उसके अगेंस्ट भी मैं नहीं चाहता। चीप पीपीसी मैनेजमेंट, मैं नहीं चाहता कि जो लोग बहुत ही चीप सर्विसेज चाह रहे हैं बहुत ही कम पैसों में, वो मेरा ऐड देखें। पीपीसी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, मैं कोई प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। और व्हाट इज पीपीसी मैनेजमेंट, ये वो लोग होते हैं जो लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, खुद से करना चाह रहे होते हैं लर्न करके, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरा ऐड नहीं देखें। तो ये मैंने उसी लिस्ट में से अपने नेगेटिव कीवर्ड भी ले लिया। फिर हम जाते हैं कैंपेन सेटअप की तरफ। कैंपेन हम कैंपेन नेम हमने कुछ भी रख लिया, और अभी हम सिर्फ सर्च नेटवर्क पे हम अपने एड दिखाना चाह रहे हैं। सर्च नेटवर्क पे क्यों दिखाना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो ऑलरेडी ये सर्विसेज चाह रहे हैं सिर्फ वो ही मेरा ऐड देखें। तो इसमें ऑल फीचर मैंने सेलेक्ट किया। ये क्या होता है, जब हम एडवांस सर्च वाला एग्जाम करेंगे वहां पे ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। और ये नीचे नेटवर्क है, ये कह रहे गूगल सर्च नेटवर्क, ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसका हम चेंज नहीं कर सकते। और पार्टनर्स जैसे AOL हो गया, वहां पे अपने शो करना है कि नहीं करना, तो इसको भी मैंने चेक किया कि वहां पे भी मेरे ऐड शो हों। फिर लोकेशन मैंने सेलेक्ट की। अच्छा, ये देखें डिवाइसेस में, इससे पहले कि एड्स विल शो ऑन ऑल एलिजिबल डिवाइसेस बाय डिफॉल्ट, इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट वो मोबाइल पे भी शो होंगी, टैबलेट्स पे भी शो होंगी और कंप्यूटर पे भी शो होंगी। और लोकेशन जहाँ पे मैंने अपना एड शो करना है, वहाँ पे मैंने सैंडियागो ही सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरी टारगेट लोकेशन जो थी, जियोग्राफी थी, वो यही थी। लैंग्वेज इंग्लिश, तो वो इसको इंग्लिश ही रहने दिया। हाँ, इसमें बजट में ऑप्शन होते हैं काफी सारे, अभी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले वेबिनार में। अभी हमने मैनुअल सीपीसी रहने दिया यहाँ पे, कि हम उस सिलेक्ट करेंगे हमने मैक्सिमम हम किसी क्लिक के अगेंस्ट कितना पे करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसकी जो एड पोजीशन होगी वो उसके अकॉर्डिंग वो सेट करेगा। तो डिफॉल्ट बिल्ड मैंने 2000 रख दी, क्योंकि अगर मैं पीछे जाके आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे जो मैंने करेंसी सेलेक्ट की थी वो पाकिस्तानी रुपीस थी, और टाइम जोन जो था वो भी पाकिस्तान का था। जी, आपको सेलेक्ट करते हुए काफी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि एक बार सेलेक्ट होगी आपके अकाउंट में तो ये चेंज नहीं होगा। तो आगे वो करेंसी इसलिए आ रही है पाकिस्तानी रुपीस के, मैंने वहां पे पाकिस्तानी रुपीस सेलेक्ट किया था। तो 2000 मैक्सिमम मैं एक क्लिक के अगेंस्ट पे करना चाहता हूँ, और जो मेरा डेली का बजट है इस कैंपेन में वो 50,000 मैंने सेलेक्ट किया। बाकी डिफॉल्ट सेटिंग ही रहने थी, मैंने इनको फिलहाल नहीं छेड़ा। जो टाइम था स्केड्यूल एड स्केड्यूल करने का, कि कितने बजे से कितने बजे तक और किन किन डेज पे अपना एड दिखाना चाहते हैं, ये भी मैंने 24 आवर्स रखा। इनको भी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, इनमें इधर से सेव और कंटिन्यू कर दिया। अब इसके बाद कैंपेन की सेटिंग्स हो गई, इसके बाद उसने कहा आप अपने एड ग्रुप का नाम रखे हैं। तो दो तीन एड ग्रुप जो मैंने पीछे दिखाए थे बनाए थे, एक कंपनी से रिलेटेड था, एक सर्विसेज से रिलेटेड था वो, और एक वो अफोर्डेबल और स्मॉल बिजनेस वाला था। तो यहाँ पे मैं जो कंपनी वाला था वो वाला एड ग्रुप बना रहा हूँ, उसका मैंने नाम रख दिया पीपीसी मैनेजमेंट कंपनी। आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपके लिए
अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो। फाइनल यूआरएल में आपने अपने लैंडिंग पेज का यूआरएल लिखना है, लैंडिंग पेज जहां पे वो पीपीसी मैनेजमेंट वाला मैंने अपनी वेबसाइट का आपको दिखाया था वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये पहले स्टैंडर्ड एड्स होते थे, अब जो है वो गूगल ने नया एड शुरू किया है, इसको एक्सटेंडेड टेक्स्ट ऐड कहते हैं। इसमें दो हेडलाइन होती है, पहले एक हेडलाइन होती थी, और पहले दो डिस्क्रिप्शन लाइंस होती थी छोटी वाली, अब एक बड़ी डिस्क्रिप्शन लाइन उसके जगह पे आ गई है। तो हेडलाइन में, पहली हेडलाइन में मैंने लिख दिया एसईओ एंड पीपीसी एक्सपर्ट्स, दूसरी में लिख दिया बेस्ट पीपीसी मैनेजमेंट कंपनी। पाथ में क्या होता है कि आप एड के नीचे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये डिस्प्ले आ रहा होता है, लेट मी शो यू, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, ये है, ये हेडलाइन यहाँ तक है, ये हेडलाइन टू है, ये जो है ये डिस्प्ले यूआरएल है। तो यहाँ तक जो है ये आपका डोमेन नेम है, और इसके आगे जो पीपीसी मैनेजमेंट है ये पाथ है, ठीक है। और ये जो नीचे आ रही है लेटेस्ट स्पिरिचुअल ब्रांड स्केड्यूल 30 मिनट कंसल्ट टू टू द, ये डिस्क्रिप्शन है। और ये जो है ये कॉल आउट एक्सटेंशन है, जी मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या होते हैं आगे चल के। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साइट लिंक्स हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो है ये कॉल एक्सटेंशन है, यहाँ पे आपका फोन नंबर डिस्प्ले हो रहा होता है। तो अगर आप किसी मोबाइल डिवाइस से इसको सर्च करेंगे तो ये क्लिकेबल होगा, तो इस पर जब क्लिक करेगा यूजर तो आपको डायरेक्ट कॉल मिल जाएगी इसके थ्रू। तो यहाँ पे हमने अपनी एड कॉपी सेट की, फाइनल यूआरएल लिखा, हेडलाइन वन लिखी, टू लिखी, पाथ लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखी। इसके इसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको वो कहेगा कि अपने कीवर्ड्स एंटर करें। तो कीवर्ड्स जो हमने पहले कीवर्ड सर्च किए थे वो सारे यहाँ पे मैंने एज ए फ्रेज मैच एंटर कर दिए। कल मैंने आपको मैश टाइप्स का बताया था, आगे चल के मैं फिर भी बता दूंगा, लेकिन राइट में आप सिर्फ इतना जान लें कि मैंने उसको एज ए फ्रेज मैच यहाँ पे सारे यहाँ पे एंटर कर दिए। इसके बाद मैंने, क्योंकि मैं बिलिंग सेटअप नहीं कर रहा था इसके अंदर, तो मैंने सेटअप बिलिंग लेटर पे सिर्फ क्लिक किया। इसके बाद हमारी एड ग्रुप सेट हो गया, कैंपेन सेट होगी। अगर हम बिलिंग भी सेट करते तो हम लाइव थे उसके बाद, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव कीवर्ड थे वो भी मैंने यहाँ, अभी मैं बाद में आपको इंटरफेस दिखाता हूँ, शेयर्ड लाइब्रेरीज में जाके और यहाँ पे कैंपेन लेवल पे वो नेगेटिव कीवर्ड्स डाल दिए कि कोई भी स्ट्रिंग जिसमें टूल्स हो, सॉफ्टवेयर हो, रिव्यूज हो, चीप हो, प्लेटफॉर्म हो या वेट हो, उन कोई भी ऐसी क्यूरी जिसमें ये वाले वर्ड्स हो उसके अगेंस्ट, ये सारे ब्रॉड मैच मैंने इसीलिए डाले हैं, देखने के इनके अगेंस्ट कोई अप्रोस्ट्रॉफिस या वो पैरेंथेसिस नहीं है, ये सारे ब्रॉड मैच हैं कि कोई भी स्ट्रिंग जिनके अगेंस्ट जिनके साथ ये वाले, जिनमें ये वाले वर्ड हो उनके अगेंस्ट एड शो नहीं हो। इसके बाद मैंने कॉल आउट एक्सटेंशन भी डाल दी, ये कहाँ से जाके मैंने की वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। और जो मैंने आपको सर्च करके बताया कि इस तरह से जब कोई टाइप करेगा तो उनके अगेंस्ट यहाँ पे मेरा एड शो होगा, जैसे कि ये हो रहे हैं। और ये जो इंटरफेस है ये एडवर्ड्स एडिटर का इंटरफेस है, ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वी आर डन विद प्रेजेंटेशन, अब मैं आपको लाइव इंटरफेस दिखा देता हूँ अकाउंट का।
ये एडवर्ड्स का इंटरफेस है, इसमें ये टॉप लेवल पे होम है, ये आपको ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस दिखाएगा होम पे क्लिक करने के, आपकी कैंपेन्स कैसे परफॉर्म कर रही है। ये लेफ्ट पे जो पैनल है इसमें आपकी जो भी अकाउंट होता है उसकी अगेंस्ट जितनी कैंपेन्स होती हैं वो आ रही होती हैं, और ये जो टैब्स हैं ये कैंपेन का टैब है, ये एड ग्रुप का टैब है, इसमें कैंपेन के टैब में सारी कैंपेन्स शो हो रही होती हैं। एड ग्रुप के टैब में अगर आप किसी स्पेसिफिक कैंपेन में जाते हैं, सपोज मैंने कैंपेन पे भी क्लिक किया हुआ है, मैं कैंपेन में इसमें एक ही कैंपेन हमने भी बनाई थी उसमें जाता हूँ, तो अब देखिए उसने खुद ही एड ग्रुप खोल दिया, तो उसमें जो एड ग्रुप होंगे वो शो कर रहा होगा। ठीक है, इसके बाद इस इन एड ग्रुप की सेटिंग्स, तो इस एड ग्रुप की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो कैंपेन की है, तो वो कह रहे हैं कि आप कैंपेन की सेटिंग्स देखो कि इसकी टाइप क्या थी, सर्च नेटवर्क था, ऑल फीचर था, गूगल सर्च था और सर्च पार्टनर पे था, सारी डिवाइसेस पे शो, अगर अपने डिवाइसेस यहाँ से चेंज करनी है तो आप वो वाली डिवाइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एड्स कैजुअल, उसका क्या था कि थ्रू आउट द डे आप शो कर रहे थे, चेंज करना है अगर खास टाइम पे या किसी खास डे पे आपने उसकी बिड इंक्रीज करनी है, आप चाहते हैं कि संडे को ज्यादा बिड हो तो आप उधर से उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेट से मैं चाहता हूँ वेनसडे को बिड जो है वो 20% इंक्रीज कर दे, तो देखें ये यहाँ पे +20 आ रहे हैं। इसी तरह मैं डिवाइसेस भी अपनी बिड इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल पे लेट से मुझे बाद में पता चलता है कि मोबाइल पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी मैं 20% बिड इंक्रीज कर देता हूँ, कि मोबाइल पे मैं मैक्सिमम अगर 2000 बिड कर रहा था तो मोबाइल पे जो होगा वो 2400 मेरी बिड होगी मैक्सिमम। लोकेशन वाइज भी अभी तो यहाँ पे मैंने सिंगल लोकेशन की हुई थी, लेकिन अगर मल्टीपल लोकेशंस होंगी तो मैं उनके अगेंस्ट भी, लेट से यहाँ पे मैं एक और सिटी ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉस एंजलिस को भी ऐड करता हूँ, लॉस एंजलिस में मुझे पता चलता है कि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पे बाद में मेरे ऐड जो हैं वो शो नहीं हो रहे फर्स्ट पेज पे लेट से, तो वहाँ पे भी मैं 20% बिड अपनी इंक्रीज कर देता हूँ। फिर जो हमने बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरह मल्टीपल एड, यूजली हम एक ऐड नहीं बनाते किसी भी ऐड ग्रुप के अगेंस्ट, एटलीस्ट दो होते हैं ताकि वो हम वो जब आपस में कंपीट करें अच्छा कौन सा परफॉर्म कर रहा है, फिर जो बुरा परफॉर्म कर रहा होता है हम उसको पास करते हैं और एक और बनाते हैं, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है मैनेजमेंट के अंदर, कैंपेन मैनेजमेंट के अंदर जो चलता रहता है। फिर यहाँ पे ये कीवर्ड का टैब है, इसमें जो हमने कीवर्ड उसमें सेलेक्ट करके इंटर किए थे वो शो हो रहे हैं, और ये हमने जो 2000 हमने सेलेक्ट की थी वो शो हो रही है। अब लेट से यहाँ पे एवरेज पोजीशन मुझे किसी की पता चलती है कि वो लो है, लेट से 7-8 है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरा ऐड जो है वो उससे ऊपर शो हो, उसकी पोजीशन बहुत है, ये पोटेंशियल कीवर्ड है, तो मैं उसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ, उसको मैं 3000 कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये जो कीवर्ड है ये इसमें कोई कन्वर्जेंस नहीं हो रही, मतलब कोई गोल नहीं अचीव हो रहे, तो इसकी जो बिड है वो उसको मैं 1000 कर देता हूँ। फिर मुझे फील होता है कि ये कीवर्ड है इससे काफी ज्यादा, क्योंकि ये फ्रेज मैच है तो इससे काफी सारी ऐसी क्वेरीज जनरेट हो रही हैं जो कि रिलेवेंट है, तो वो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है उन क्यूरीज के अगेंस्ट, इन रेलिवेंट क्यूरीज के, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको एग्जैक्ट मैच कर देता हूँ। एग्जैक्ट मैच से होगा कि जब यूजर एग्जैक्टली यही क्यूरी टाइप करेगा तब मेरा ऐड शो होगा, वैसे नहीं होगा। और फ्रेज मैच के अगेंस्ट क्या होगा कि इस क्यूरी से पहले या इसके बाद भी
अगर कोई भी वर्ड होंगे तो उसके अगेंस्ट भी मेरा एड जो है वो शो होगा। फिर मुझे फील होता है कि ये कीवर्ड जो है ये बहुत ज्यादा कन्वर्जन जनरेट कर रहे हैं, तो इसका मैं ब्रॉड मैच विद मॉडिफाई ट्राई करता हूँ। तो इसके साथ मैं इसको ब्रॉड मैच करके फिर मॉडिफायर्स पे लगा दूंगा। इससे क्या होगा कि कोई भी यूजर क्यूरी टाइप करेगा, अगर उनमें ये वाले सारे वर्ड्स होंगे, नो मैटर कि उसका ऑर्डर क्या है, फ्रेज मैच में ऑर्डर सेम रहना चाहिए, इसमें ऑर्डर आगे पीछे भी होगा। लेट से अगर कोई टाइप करता है पीपीसी मैनेजमेंट कंपनी टॉप, फिर भी मेरा एड शो होगा। अगर कोई टाइप करता है मैनेजमेंट कंपनीज पीपीसी टॉप, फिर भी मेरा एड शो होगा। तो उसके करने का हमें यह फायदा होगा। इसके बाद एड एक्सटेंशन मैंने आपको उधर दिखाई थी, तो ये चार हमने कॉल आउट एक्सटेंशन वहां पे लगाई थी उस वक्त, ये चारों यहाँ पे शो हो रही हैं। आप और लगाना चाहें, आप ये यहाँ से रिमूव करना चाहें, ये किसी को ऐड करना चाहें या और ऐड करना चाहें, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ये कॉल आउट एक्सटेंशन क्या थी जो ये वाली शो हो रही थी। फोन एक्सटेंशन जो यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, कॉल एक्सटेंशन इसको कहते हैं, वो लगाने के लिए आप यहाँ से ये कॉल एक्सटेंशन में जाएंगे। साइट लिंक्स लगाने के लिए साइट लिंक्स में जाएंगे। साइट लिंक्स जो हैं ये जो आपकी वेबसाइट के दूसरे पेजेस पे लिंक्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। तो डिफरेंट एक्सटेंशन हैं आपके जो अवेलेबल है और आपको फील होता है। लोकेशन एक्सटेंशन अगर कोई लोकल बिजनेस है, लेट से कोई प्लम्बर है तो, या कोई मैकेनिक है कार मैकेनिक है सपोज, तो आप वो अपने साथ लोकेशन एक्सटेंशन लगा के बता सकता है कि मैं कहाँ पे लोकेट करता हूँ, तो उसका मैप जो उसका एड्रेस शो हो रहा होगा वहाँ पे। प्राइस एक्सटेंशन अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइस आप लगाना चाह रहे हैं, वो है रिव्यूज जो गूगल प्लस के थ्रू आप एक्सटेंशन है। मैसेज एक्सटेंशन जो है ये SMS टेक्स्ट मैसेज ये मोबाइल पे चलती है। फिर यहाँ पे डायमेंशन है, डायमेंशन में आपको पता चलेगा कि लेट से डायमेंशन के थ्रू आप काफी सारे पर्सपेक्टिव से अपनी अपने डेटा को रिव्यू कर सकते हो। मतलब स्पेसिफिक डे लेबल अगर आप सेट करें, लेबल आप कीवर्ड एड एड ग्रुप और कैंपेन्स के अगेंस्ट वो भी सेट कर सकते हैं, तो उनके फिर आप लेबल्स के थ्रू अपने डेटा को व्यू कर सकते हैं। टाइम मतलब स्पेसिफिक डे में कैंपेन ने कैसा परफॉर्म किया, स्पेसिफिक डेट पे कैसा परफॉर्म किया, स्पेसिफिक डे पे कैसा परफॉर्म किया, स्पेसिफिक वीक में कैसा परफॉर्म किया, मंथ में कैसा किया, क्वार्टर में कैसा किया, ईयर में कैसा किया और आवर ऑफ डे में कैसा किया। लेट से मेरे पास एक वीक का डेटा है और मैं देखना चाह रहा हूँ कि किन स्पेसिफिक आवर्स में कन्वर्जन ज्यादा हुई, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। डेस्टिनेशन यू आर एल्स मल्टीपल अगर लैंडिंग पेजेस थे तो मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि किस स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस ने कैसा परफॉर्म किया, तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। डेस्टिनेशन जो आर पहले यूज होते थे, अब उसी की जगह फाइनल जो आर यूज होते हैं। टॉप मूवर्स कैंपेन्स कल मैंने डिस्कस की थी कि इससे आपको चलता है कि सबसे ज्यादा चेंजेस किन कैंपेन्स में आई और उसकी रीजन क्या थी। जियोग्राफिकली कैसा परफॉर्म किया, यूजर लोकेशन वाइज कैसा परफॉर्म किया, डिस्टेंस फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन कैसा परफॉर्म किया, सर्च टर्म रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां से हम नए कीवर्ड्स ऐड करते हैं और ये पता चलता है कि कौन सी क्यूरी ने के अगेंस्ट कन्वर्जन क्यों, हमारे पोटेंशियल कीवर्ड्स क्या हैं वो उनको हम फिर ऐड कर लेते हैं। और ये पता चलता है कि और अगर पोटेंशियल नेगेटिव कीवर्ड है तो वो भी हम इस, ये बहुत यूज होने वाली एक रिपोर्ट है, पेड एंड ऑर्गेनिक फ्री क्लिक कॉल डिटेल्स। तो इसमें काफी सारी डायमेंशन हैं, सेगमेंट्स हैं, उनके थ्रू आप अपनी डेटा को डिफरेंट परस्पेक्टिव में रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा
के अंदर जहाँ पे कैंपेन हम एड ग्रुप लेवल पे भी डाल सकते हैं, कैंपेन लेवल पे भी डाल सकते हैं, और शेयर लाइब्रेरी में भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज किए थे ये आप लोगों को आने के लिए। अब मैं आपको अभी हर एक चीज को वो नहीं बता रहा, लेकिन हम जैसे जैसे मूव करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स में, तो ये बेसिक सी सर्च कैंपेन थी जो मैंने आपको बताया था कि बिल्ड कैसे करना है, तो उससे रिलेवेंट जो चीजें थी मैं आपको वो बता रहा हूँ। इधर शेयर्ड बजट है, ये क्या है कि एक बजट है, लेट से आपका क्लाइंट कहते हैं उस पर $100 हैं, तो आपने वो सारी कैंपेन और तीन चार कैंपेन है आपके पास, उन पे अक्रॉस द बोर्ड आपने डिवाइड करना है। तो बजाय इसके कि हर एक को 20 20 25 25 सेट करने के, अब 100 इधर ही सिलेक्ट करें और यहाँ पे सारी कैंपेन्स को ऐड कर लें, तो वो अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएगा। ऑडियंस में हम रीमार्केटिंग लिस्ट डालते हैं। रीमार्केटिंग लिस्ट क्या होती है कि जो लोग ऑलरेडी हमारी साइट को विजिट कर चुके हैं या एड्स के थ्रू कर चुके हैं, उनको हमारा एड शो, ये कुकीज पे बेस्ड करते हैं। तो लेट्स विजिट किया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, तो एक लिस्ट हम उसकी जनरेट कर लेंगे। तो अगर मेरे पास कोई ऑफर है जो मैं उनको देना चाहता हूँ, लेट्स से जो फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन कर लें वेल एंड गुड, जो फर्स्ट टाइम नहीं करते दूसरी दफा मैं उन पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ, उनको 10% 20% ऑफ देना चाहता हूँ, तो उनको मैं एक डिफरेंट लैंडिंग पेजेस पे लैंड करवाऊंगा और उनको कहूंगा कि 20% ऑफ है, तो हो सकता है कि वो उस ऑफर से आके बाय कर लें। फिर इसके बाद ये एडवर्ड्स एडिटर है, इसमें आप ऑफलाइन भी चेंजेस कर सकते हैं अपनी कैंपेन को डाउनलोड करके, फिर उसको बल्क में अपलोड कर सकते हैं। इधर कैंपेन्स को अक्सर एड्स वगैरह जो होते हैं वो थ्रू आउट द कैंपेन, थ्रू आउट द अकाउंट जो होता है वो सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा बहुत उसमें हेडलाइन हेडिंग वगैरह चेंज होती है, ये चीजें चेंज होती हैं। तो इसमें हम बल्क में चेंजेस कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ये, तो इसके थ्रू स्पेशली जब आप किसी एजेंसी के लिए काम, क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो, तो इसके थ्रू आपको बल्क में चेंजेस करना बहुत ईजी हो जाता है। ये ऊपर वाला पैन है, इसमें कैंपेन्स आ रही होती हैं, उनको ओपन करें, उसमें आपके सामने एड ग्रुप आ रहे होते हैं। सिमिलरली नीचे वाले ये मैनेजिंग में कैंपेन आ रही होती है, एड ग्रुप आ रहे होते हैं, एड फिर कीवर्ड जो टारगेटिंग आ रही होती है, यहाँ पे जैसे हमारे ये वाले कीवर्ड थे वो सारे शो हो रहे हैं, यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ। लेट से यहाँ पे मैंने पीछे चेंजेस की थी वेब इंटरफेस में, तो मैं वो अभी यहाँ लाना चाह रहा हूँ, तो मैं गेट रिसेंट चेंजेस में जाऊँगा, डाउनलोड करूँगा चेंजेस, तो वो चेंजेस सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो देखें ये कीवर्ड एक को मैंने मॉडिफायर तक लगाए थे, एक को मैंने एग्जैक्ट किया था, तो वो यहाँ पे आ गए। लेट से ये कीवर्ड है फ्रेज है, मैं इसको फ्रेज भी यूज करना चाह रहा हूँ और एग्जैक्ट भी यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट किया और इसको यहाँ पे एग्जैक्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह ये लोकेशन मैंने अपडेट की थी, पहले सिर्फ सैन डियागो था, फिर एलए भी मैंने ऐड किया था और उस पर बिट भी इंक्रीज की थी, तो देखें वो यहाँ पे खुद ही उसने डाउनलोड कर लिए। इसमें मेरे पास एक ऐड था ये, और मैं चाह रहा हूँ कि एक और ऐड बनाऊं, तो मैं इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ। मतलब लैंडिंग पेज तो वैसे वाला सेम रहेगा, पाथ भी सेम है, और सिर्फ इसमें लेट्स से मैं हेडिंग चेंज करता हूँ। इस करके मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, तो एक कीवर्ड मैंने चेंज किया और एक ऐड ऐड कॉपी और जनरेट की, तो जिसने दिया। तो अगर मैं वेब इंटरफेस में जाकर इसको देखूंगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ,
तो देखें ये दोनों ऐड कॉपीज यहाँ पे आ गई हैं। इसी तरह कीवर्ड में जाता हूँ, जो कीवर्ड मैंने एग्जैक्ट मैच एक और कीवर्ड जनरेट किया था, आई मीन क्रिएट किया था, ये देखें एक पहले था और एक और ये वाला किया। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये सिर्फ मैंने, जैसे आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था कि जो कल हमारा एक वेबिनार हुआ था उसमें काफी सारे लोगों को इशू थे, उन्होंने कभी एडवर्ड्स देखा ही नहीं हुआ था, तो उनको थ्योरी थ्योरी समझ नहीं आई थी। तो आज ये करने का मकसद ये था कि आप थोड़ा दोनों के बीच में, कल वाले वेबिनार के बीच में और आज वाले बीच में, थोड़ी सी रिलेशनशिप खुद से इस्टेब्लिश कर सकें और उसको समझने की कोशिश करें। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट, आई एम रेडी टू आंसर दैम। गाइस क्वेश्चंस प्लीज। शादेव सभी क्वेश्चन मेरे ख्याल से भी लिख रहे हैं। अगर अच्छा चले, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो वो लिख दे कि नो क्वेश्चन, ताकि हमें पता चल जाए। फारूख कह रहे कि नेगेटिव कीवर्ड जरा फिर बता दें। फारूख जब मैंने कीवर्ड प्लानर से अपने कीवर्ड सर्च किए थे तो वो एक लिस्ट जनरेट करता है आपके लिए कीवर्ड्स की। उसमें आप अपने पोटेंशियल कीवर्ड्स जो होते हैं, जो आपको फील होता है जब एज ए कस्टमर आप सोचते हैं कि सपोज आप अगर एज ए कस्टमर सर्च कर रहे हैं तो आप क्या टाइप करेंगे, तो उसमें से मैंने शॉर्टलिस्ट किए कीवर्ड्स, वो जो पोटेंशियल थे वो मुझे मिल गए। फिर उसी में से मुझे, उसी लिस्ट में से मुझे ऐसे कीवर्ड्स भी मिले जो मैं फील करता हूँ कि अगर यूजर ये टाइप करेगा ना तो ये बहुत इररिलेवेंट है, तो इट विल कॉस्ट मी फॉर नथिंग। लेट से मैं कोई टूल नहीं बेच रहा, मैं कोई सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहा, मेरी साइट पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा या इस तरह की चीजें, तो उन कीवर्ड्स को मैंने नेगेटिव में ऐड कर दिया। कीवर्ड्स अंबर किस स्पेस पे सिलेक्ट किए हैं आप? एसईओ में कीवर्ड्स किस स्पेस पे सिलेक्ट करते हो? आई नो आप एसईओ करते हो, तो ऑलमोस्ट बेस सेम होती है। इसमें ये होता है कि मैक्सिमम हमारे कीवर्ड जो होते हैं वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होते हैं, जो फील होता है हमें कि हाँ कि अगर मैं कस्टमर हूं तो इस कीवर्ड के थ्रू मैं कुछ बाय करूंगा, कोई सर्विस लूंगा या कोई ऐसी चीजें लूंगा। जायद गोंदल नो क्या है मुझे नहीं पता, नो क्वेश्चन। मेहरान अब्बासी जेट नहीं है, मेहरान जी खत्म हो चुके हैं, अब आपको क्वेश्चन ही पूछना है। फरुख नेगेटिव कीवर्ड हम खुद ही चूज करते हैं और बाद में जब हम सर्च टर्म रिपोर्ट देखते हैं, जब हमारी कैंपेन लाइव हो जाती है तो उसमें हम क्यूरीज देखते हैं जो यूजर टाइप कर रहे हैं। सर्च टर्म रिपोर्ट के अंदर क्यूरीज होती हैं, तो उसमें से हम देखते हैं कि हाँ ये कीवर्ड था जिसने काफी सारा हमें कॉस्ट किया, इसके अगेंस्ट कोई हमें लीड जनरेट नहीं हुई, तो वो भी हम नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल देते हैं। अंबर हॉट टू सर्च क्लाइंट नहीं है ये, आपके ऐड जो है बस गूगल के पे शो होते हैं। क्यों कब शो होते हैं? जब यूजर टाइप करता है वो यूजर आपका क्लाइंट है। यूजर क्यों टाइप करता है? उसको सर्विसेज चाहिए, उसको कुछ बाय करना है ऑनलाइन, तो वो ही आपका यूजर है। रजा रिजवी आपको फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई, क्योंकि अभी तो वी आर डन। अरजान हाउ डू वी नो वी आर रेडी टू अपियर इन, आप उसको गिव इट अ ट्राई अरजान, आप फेल होते हो हफ्ते बाद दोबारा कर लेना, उसमें रेडी वाली कोई बात नहीं। फिर आपको रिकॉर्डिंग जो है वो शादे प्रोवाइड कर देगा, रजा आपको रिकॉर्डिंग शादे प्रोवाइड कर देगा। दोनों को इंटरकनेक्ट करके देखना, मेरे कल वाले वेबिनार को और इसको भी, तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं नुमान से ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था, उसने क्वेश्चन नहीं किया।
कोई और क्वेश्चन है? चलें ठीक है फिर, आई गेस देर आर नो मोर क्वेश्चंस, तो हम वाइंड अप करते हैं इसको, और थैंक यू फॉर योर टाइम. तो लेट्स सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वेबिनार.